यशोमति मैया के नंदलाला। यहाँ बाल गोपाल को अपनी मैया के हृदय से लगने की प्रतीक्षा थी, तो कारागार लौटते समय वसुदेव को कंस के आधमकने का भय था। इस बात से अनभिज्ञ था कि वो अपनी सोच से कोसों परे एक अद्भुत अकल्पनीय घटनाक्रम की ओर खींचा चला जा रहा है। दूसरी ओर मैया यशोदा भी खींची जा रही थी धीरे धीरे मरणावस्था की ओर। ऐसे में उनके पुत्र श्री नारायण से रहा नहीं गया। रुदन सुन मैया का हृदय इतना तड़प उठा कि मरणावस्था भी उन्हें रोक ना पाई। उनके तन में प्राण लौट आए। उधर मथुरा में कंस देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान के प्राण लेने पहुंच गया। शिशु मुझे सौंप दे देवकी। नहीं, क्या अनुचित है? अनुचित है? सत्य कह रही हो देवकी, पर यही श्री नारायण की इच्छा है और हमें उनकी लीला पर ना प्रश्न करना चाहिए और ना ही संदेह। वचन के अनुसार अपनी आठवीं संतान मुझे सौंप दो वसुदेव।
यह बोध कन्या आठवीं संतान। तू क्या मेरा विनाश करेगा? एक एक तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। जिसका अस्त्र था, आतंक जिसका शस्त्र था, जो सभी को डराकर अब तक उनके मन मस्तिष्क पर राज करता आया था, देवी योग माया ने उसे ही आतंकित कर दिया। कंस के हृदय को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी भयभीत कर दिया। मैं वरदान देता हूं, आज के बाद जो व्यक्ति किसी भी विपदा में देवी योग माया को दुर्गा का, भद्रकाली, विजय वैष्णव, कुमुद चंडिका, कृष्णा माधवी, कन्यका माया, नारायणी ईशानी, शारदा और अंबिका, उनके किसी भी नाम अथवा स्वरूप में स्मरण करेगा, उसके हृदय से भय तुरंत मिट जाएगा और उसके शत्रु का हृदय भय से व्याकुल हो जाए। यदि शत्रु भारी पड़ने लगे, पराजय सामने दिखाई देने लगे, तो उसी क्षण शत्रु के पैरों को पकड़ के अपने प्राणों की भिक्षा मांग लो। देवकी बहन, मुझे क्षमा कर दो। कुंवर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा मांग रहा हूं मैं, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी त्रुटि। कंस के हृदय में भय व्याप्त था, किंतु मैया यशोदा के हृदय में थी ममता, जो उनकी आंखों से आंसू बनकर छलक पड़ी थी। इसी ममता के साथ वो दोनों एक दूसरे को न जाने कितनी देर तक देखते रहे। पुत्र के साथ साथ मैया का भी नया जन्म हुआ था। प्रसन्नता के अतिरेक में दोनों के मन झूम रहे थे। उनके संसार में न कोई और विचार था, न कोई और व्यक्ति थे, तो बस वो दो, यशोमती मैया और उनका लाडला नंदलाला। यशोमती मैया के नंदलाला।
एक ही है वो स्थान, मिलते हैं जहाँ सारे धाम, चरणों में माता के आकर झुकते हैं भगवान। तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला। जो विराट आनंद है, जिसका कोई ओर छोर नहीं होता, उस समुद्र जैसी है मैया की ममता। अपने लल्ला को वात्सल्य भाव से निहारते निहारते संपूर्ण रात्रि बिता दी इन्होंने। प्रभु, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ कीजिए ना प्रभु। मैं क्या करूं देवी? प्रभु, आप तो सर्व ज्ञाता है, आप तो जानते ही हैं प्रसव की प्रक्रिया कितनी जटिल होती है। सामान्य पुरुष जिस पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकते, यशोदा मैया ने उस अकल्पनीय पीड़ा को सहा है। अब उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। पलकन के पट खुलन लगे हैं, सपन के पंछी उड़न लगे हैं, पुष्पन के मुख मुस्कान ते खिल गो, गोकुल नई भोर से है धुल गो, निर्मल निश्चल रोशनी के रंग सूरज है लायो जी, प्रथम पहर आयो जी।
गैया मोर चिरैया लालन थपक जगाओ मैया मैलो तन पर मन है उजलो गोकुल जन बड़ो भोलो भालो सहज सरल निर्गुण है जीवन जन जन के मन भायो जी प्रथम पहर आयो जी श्री हरे जय बालक माता तू ही सारे जग की है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जगपाला यशोमती जे स्वप्न ना है लल्ला है मेरा यही तो है आनंद परम आनंद मेरी मैया कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था मैं तुझे पता है तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं तुझे पता भी है तेरे बिना इतने वर्ष कैसे काटे मैंने अब तू आ गया है ना तू ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होगा मैं और यशोमती मैया एक दूसरे के साथ हृदय से जुड़ेंगे इसीलिए समस्त संसार में हम दोनों की जोड़ी एक माता पुत्र की अद्भुत जोड़ी के रूप में जाने जाएंगे ये दोनों अलग अलग नहीं है प्रभु मैया यशोदा और इनका लल्ला एक ही आत्मा एक ही प्राण है ये शिशु की करुण पुकार पर लौटे माँ के प्राण जीत गई जीवन से जो मान गई थी हार पर कर दर्शन श्री वत्स के चौक गई दिव्य निशान ये कैसो है लल्ला कैसो है लल्ला चेखा है मेरे लल्ला की छाती पर रो,
रोहिणी जीजी, रोहिणी जीजी। यशोदा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रोहिणी जीजी। ओह, मुझे अपना सत्य प्रकट नहीं करना चाहिए, वरना मेरी भोली भाली मैया डर जाएगी। आंखें तो देखो इसकी, कैसे मीच रहा है। मौसी, गाल तो देखो, गुलाब की फूल की तरह लाल लाल। सब ठीक ही है लल्ला की प्रसन्नता में, ना जाने क्या कल्पना कर लो मैंने। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत प्यारा है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाय यशोदा, तुम तो मैया बन गई। क्यों यशोमती मैया के नंदलाल? यशोदा भाभी, मुझे दो ना। स्वयं को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक कैसे उठाते हैं पता भी है तुझे? यशोदा, मुझे दे दो। ना ना संकरी मौसी, लल्ला तो पहले मेरे पास ही आवेगो, अपनी कस्तूरी के पास। हा? चुप कर, सजने धजने के सिवा आता है क्या तुझे कुछ? सबसे पहले तो लल्ला को मैं लूंगी। मौसी, आपके घुटनों में पीड़ा रहती है, मुझे लेके दो ना कोर्ट में। ना ना भाभी, आप ना किसी की मत सुनो, लल्ला को मुझे दो। नहीं, मुझे लेना है। नहीं, मैं लूंगी। क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो, माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। सागर की तरह अपने भीतर संसार भर के तूफान को समेटे हुए है ताई जी, किंतु फिर भी कितनी धीर गंभीर, कितनी शांत है। नंदलाल ने जन्म लिया है। अरे, नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। इस शुभ समाचार का सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है। शीघ्र जाओ, श्री विष्णु जी के मंदिर में मिलेंगे वो, उनसे कहना शीघ्र नंद भवन पधारे। हमारी यशोमती अब मैया बन गई है। नंद जी के यहाँ लल्ला जो आया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.